आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विशेष महत्व है। 1857 में जिस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में घटी, हालांकि उनके स्वरूप को इतिहासकार अलग अलग तरीके से देखते हैं, फिर भी इस घटना के पीछे भारतीयों का लगभग पिछले 100 वर्षों का असंतोष उभर कर सामने आया। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1757 के प्लासी युद्ध से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई और समय समय पर उनके विरुद्ध भारत के लोगों ने जो आंदोलन चलाए, उसे हम 1857 के पूर्व का रिहर्सल कह सकते हैं। लेकिन उसका एक विराट रूप हमें 1857 में देखने को मिला, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। हालांकि दुर्भाग्य से यह क्रांति असफल हुई, लेकिन फिर भी इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे समक्ष आया वह यह था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। जहां तक भारत में अंग्रेजी राज की बात है, वह कुल 190 वर्ष का रहा। 100 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 to 1857, और 1857 के बाद से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन संचालित होता रहा। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वाधीन हुआ और जो ये अवधि है 1857 to 1947, यहां तक के इतिहास को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के इतिहास के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम लोग चर्चा करें कि सन 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। अलग अलग विचारधारा के इतिहासकार इसको अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस का यह मानना था कि सन 1857 में भारत में जो घटना घटी वह एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे और इस विद्रोह के उपरांत कुछ असंतुष्ट लोगों ने इसका लाभ उठाया था, ऐसा सर जॉन लॉरेंस का मानना था। जबकि सर जॉन सीले की यह मान्यता थी कि यह पूर्ण रूप से अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशीय नेतृत्व था और न ही जनता का सहयोग प्राप्त था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर की छावनी में हुआ था। ये बैरकपुर बंगाल में है, जहां पर शहीद मंगल पांडे ने इस क्रांति का उद्घोष किया। ह्यूरेंस को उसने मार डाला और जनरल बाग को उसने घायल कर दिया था। इस तरह क्रांति की शुरुआत हुई। शहीद मंगल पांडे से अंग्रेजों ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया और 8 अप्रैल 1857 को उनको कलकत्ता में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। फिलहाल हम लोग 1857 की क्रांति के स्वरूप पर बात कर रहे हैं। ब्रिटिश इतिहासकार पीई रॉबर्ट्स ने भी इस बात को स्वीकार किया जो बात सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सीले ने की, और यह बताया कि 1857 में जिस प्रकार की घटनाएं भारत में घटित हुई वह केवल सैनिक विद्रोह था, परंतु इसका विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब अनेक कारणों से देश में सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी असंतोष व्याप्त था। इसके अलावा
कुछ इतिहासकार जिनमें सर जेम्स आउट्रम का नाम मुख्य रूप से आता है, उनकी यह मान्यता थी कि 1857 की घटना के पीछे भारत के मुसलमानों का षड्यंत्र था, क्योंकि भारत में अंग्रेजी राज के पूर्व मुसलमानों का राज्य था, मुगलों का राज्य था, और वे यह चाहते थे कि इस क्रांति के द्वारा अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंका जाए और पुनः मुस्लिम राज्य को स्थापित किया जाए। ये इनका लक्ष्य था, ये इनका टारगेट था, और हिंदुओं के असंतोष का भी पूरा लाभ उठाने का उन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन सर जेम्स आउट्रम की इस विचारधारा से बहुत सारे विद्वान असहमत हैं, और उनका यह कहना है कि अगर यह मुसलमानों का षड्यंत्र था तो इसमें एक तिहाई मुसलमान भी इन्वॉल्व नहीं थे। और वस्तुतः हम यह देखते हैं कि क्रांति का संबंध किसी संप्रदाय विशेष से नहीं था, बल्कि यह हिंदू और मुसलमानों का, या कह लें हम भारतीयों का, एक संयुक्त संघर्ष था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था। जबकि दूसरी ओर L.E.R. लीच कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। भारत में हिंदू अतीत से ही रहते चले आ रहे थे, मध्य युग में मुसलमान लोग आए और हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, लेकिन मॉडर्न एज में एक तीसरा धर्म यानी ईसाई धर्म भारत में आया। हालांकि भारत में आने वाला पहला ईसाई गोंदोफर्नीज के शासनकाल में 50 एडी में सेंट थॉमस थे, दक्षिण भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने कोई धर्म का प्रचार नहीं किया। लेकिन मॉडर्न एज में जब यूरोपियंस व्यापार के बहाने भारत में आए, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, तो इन लोगों ने एक और धर्म का भी प्रचार किया। और इस नाते हम यह पाते हैं कि भारतीय परिदृश्य में हिंदू और मुस्लिम के अलावा एक तीसरा धर्म भी पहुंचा, ईसाई धर्म, और इस धर्म ने हिंदुओं और मुसलमानों की कुरीतियों पर प्रहार करके अपने आप को श्रेष्ठ प्रोजेक्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस तरह जैसा कि L.E.R. रीच कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, दोनों दलों ने अपने अपने गलतियों को छिपाने के लिए इसमें धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया। अंततः ईसाई जीत गए लेकिन ईसाई धर्म नहीं, और हिंदू और मुस्लिम पराजित हुए लेकिन हिंदू और इस्लाम धर्म पराजित नहीं हुआ। यह सत्य है कि सारे गोरे लोग इस घटना में एक तरफ थे, लेकिन सारे काले लोग एक साथ नहीं थे, बल्कि काले लोगों में एक बड़ा वर्ग गोरे लोगों के साथ मिला हुआ था। जे जी मेडले जो आकलन करते हैं उसके आधार पर उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि उन दिनों सैनिकों में 1:20 यानी एक अंग्रेज और 20 भारतीय हुआ करते थे, और इस समय अश्वेत सैनिकों ने यानी भारतीय सैनिकों ने कई अवसरों पर डेंजर जोन से अंग्रेजों को बाहर निकालने का भी कार्य किया था। T.R. होम्स की मान्यता यह रही कि यह क्रांति या यह युद्ध, या अंग्रेज कहते थे विद्रोह है, रिवोल्ट है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। अंग्रेज अपने आप को सभ्य कहते थे, यहां के लोगों को उन्होंने बर्बर या सभ्य के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन T.R. होम्स की इस विचारधारा से संकीर्ण जाति भेद की गंध आती है। यह सच है कि इस क्रांति के दरमियान दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुछ भारतीयों ने यूरोपियंस की, जिनमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, उनकी हत्या की हत्या का दोष उन पर लगाया जाता है। लेकिन इसके पैरेलल
अंग्रेजों ने भी कम बर्बरता नहीं दिखाई। ठीक है, भारतीयों ने जिस घटना को अंजाम दिया वो तो असभ्य थे, उस घटना को कर सकते थे, लेकिन आप तो सभ्य थे, फिर आपने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया। इस बात पर जब हम विचार, अंग्रेजों ने जिस प्रकार की बर्बरता दिखलाई उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तब मुख्य रूप से यह बात देखने में आती है कि दिल्ली में हडसन ने जो कृत्य किया, इसके अतिरिक्त नील ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जिस प्रकार का कृत्य किया, वह कृत्य बेहद शर्मनाक था, बेहद दुर्दांत था। क्योंकि यह कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद के बीच पेड़ की ऐसी कोई शाखा नहीं थी जिस पर किसी किसान को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया था। बनारस की जो संकीर्ण गलियां थीं, उनमें महिलाओं को भी बच्चों को भी मौत के घाट उतारा गया, और यहां तक कि मुसलमानों के लिए जिनके लिए सुअर का मांस निषिद्ध है, उनको जबरन सुअर का मांस उनके गले के नीचे उतारने की कोशिश की गई। कई को जीते जी सुअर के खाल में सिलने का कार्य अंग्रेजों ने किया। यह कृत्य बेहद शर्मनाक था। इसके अतिरिक्त जब हम इस क्रांति के अन्य स्वरूप की बात करते हैं, तो उसमें कुछ इतिहासकार इसे संयोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान करते हैं, लेकिन इतिहासकार सरकार और दत्त इसे उचित नहीं मानते, क्योंकि उनका यह कहना है कि इस घटना में कोई मान्यता प्राप्त अध्यक्ष नहीं था, न ही कोई सुनिश्चित नीति थी, बल्कि यह कोरा सैनिक विद्रोह इसे कहना भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि कुछ भागों में, विशेष रूप से बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कमोवेश धारण कर लिया था, जिसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इसे कुछ भारतीय इतिहासकार राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जो राष्ट्रीय विचारधारा के इतिहासकार हैं या भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत तो किया, लेकिन दूसरी ओर हम ऐसा पाते हैं कि 19th सेंचुरी में या इसके मध्य तक हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का सर्वथा अभाव था। भारतीयों ने कभी मिलकर संगठित रूप से अंग्रेजों के विरोध की योजना न की। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी इससे संकट में पड़ गया, और इतिहासकार सरकार ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 1857 का विप्लव वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया, और उन्होंने पूर्ववर्ती शासक यानी मुगल सम्राट जो इस समय बहादुर शाह जफर थे, उनको अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। मेरठ में जब 10 मई 1857 को जेल ब्रेक हुआ और 11 मई 1857 की सुबह सैनिक दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में सवेरा हो ही रहा था, उस समय लाल किले के परकोटे से जब बहादुर शाह जफर ने ये देखना चाहा कि क्या हलचल है, क्या हो रहा है, तो सैनिकों ने उसके जिंदाबाद के नारे लगाए, यानी उसे अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया, ना इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम वाली भावना थी। इस तरह 1857 की घटना को राष्ट्रवादी इतिहासकार नेशनल मूवमेंट के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जब हम एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से इस क्रांति
पर विचार करते हैं तो यह देखने में आता है कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिमोत्तर में पंजाब तक के क्षेत्र को इस घटना ने विशेष तौर पे प्रभावित किया था और इसमें सैनिकों के अतिरिक्त कुछ राजाओं ने भी, कुछ तालुकेदारों ने भी, कुछ जमींदारों ने भी और कुछ ग्रामवासियों ने भी सक्रियता पूर्वक भाग लिया। फिर हम इसे केवल सैनिक विद्रोह क्यों कहें, क्योंकि इसमें किसानों की भी भागीदारी रही, मजदूरों की भी भागीदारी रही, ग्रामवासियों की भी भागीदारी रही, जमींदारों की भी भागीदारी रही, कुछ राजाओं की भी भागीदारी रही, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना अनुचित होगा। साथ ही साथ इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा प्रदान करने में भी कई कठिनाइयां हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय सैनिक अंग्रेजों के भक्त बने रहे। किसी भी बड़े राजा ने इसमें आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अनेक राजाओं ने कंपनी की ही सहायता की। भारत में एक सबसे प्राचीन नदी के रूप में नर्मदा नदी को जाना जाता है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। लगभग 1377 किलोमीटर इसका प्रसार। रेवा इसका प्राचीन नाम था। इस नदी के दक्षिण में 1857 की घटना का प्रभाव नगण्य रहा। साथ ही साथ बंगाल और पंजाब, यहां पर भी इस घटना का इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर सरकार नियमित और व्यवस्थित तरीके पे काम करती रही। सिखों के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल सिख रिलेशन बिगड़े थे जहांगीर के शासनकाल में, उसके बाद से पंजाब में ऐसा अफवाह अंग्रेजों ने फैलाया कि अगर क्रांति सफल होगी तो भारत में फिर मुस्लिम राज्य आ जाएगा और जो शासक है होगा उसका आदेश होगा सिखों का खात्मा करने का। इस नाते पंजाब के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, बंगाल में भी इसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन शेष भारत में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यूनाइटेड प्रोविंस में, इन क्षेत्रों में इस क्रांति का व्यापक प्रभाव रहा। बिहार में बाबू कुंवर सिंह का नाम आता है, छत्तीसगढ़ में नारायण सिंह का नाम आता है, जिन्होंने जमींदार होने के बावजूद इस क्रांति में सक्रियता पूर्वक हिस्सा लिया, यानी ये लोग भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन से त्रस्त रहे होंगे, जिसके परिणति इन्होंने इस क्रांति में हिस्सा लिया था। सन 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूर्व होने पर 1957 में देश आजाद हो चुका था और इस परिघटना के बारे में सरकार ने इतिहास लेखन की जिम्मेदारी डॉक्टर एस एन सेन और आरसी मजुमदार को सौंपी। इन लोगों ने समस्त दस्तावेज खंगाले, उसका अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया। हालांकि इन दोनों के विचारों में हम बाद में कुछ मतभेद भी देखते हैं, लेकिन जिन विचारों से एस एन सेन और आरसी मजुमदार सहमत हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि इन दोनों ने माना कि 1857 की घटना एक सचेत योजना का परिणाम है और न ही इसके पीछे कोई सिद्धहस्त व्यक्ति था, बल्कि इन्होंने यह भी बताया है कि मार्च अप्रैल 1857 के महीने में नाना साहब लखनऊ गए थे और मई में इस क्रांति का आरंभ होना था। इससे कोई प्लानिंग की बात प्रमाणित नहीं होती। साथ ही साथ अजीमुल्ला खान, जिन्होंने 1857 का राष्ट्रीय गीत भी लिखा था, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, और रांगो बापू जो कि लंदन गए थे और लौटते वक्त उन्होंने क्रांति की आयोजना की, इसके बारे में जो विवरण प्राप्त होते हैं वो ठीक प्रतीत नहीं होता। अजीमुल्ला खान
नाना साहब के प्रतिनिधि के रूप में और रांगो बापू सतारा रियासत के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे। इसी प्रकार जब चपाती और कमल के फूल की बात होती है कि इसके द्वारा क्रांति का प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, हिंदू संतों के रूप में, मुसलमान फकीरों के रूप में गांव गांव गए, प्रचार किया, लेकिन ये बात प्रमाणित नहीं होती। और 1857 में हमारे देश की जो राष्ट्रीयता थी वह वस्तुतः भ्रूणावस्था में थी, तो उस समय ऐसे संगठन की बात हम नहीं देखते। नाना साहब लड़ रहे थे क्योंकि उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा था बाजीराव द्वितीय का। लक्ष्मीबाई लड़ रही थी क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को मान्यता न देते हुए डलहौजी ने झांसी के राज्य को हड़प लिया था। अवध के नवाब के पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, इसलिए बेगम हजरत महल उनके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर रही थी। तो इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस घटना में शामिल हुए थे। आसी मजुमदार ने एक पुस्तक लिखा, सिपाही मिटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से सन 57 की घटना पर प्रकाश डाला है और उससे हम बहुत कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर एस एन सेन, जिन्होंने 1857 का सरकारी इतिहास लिखा, उनका यह कहना है कि भले ही यह विद्रोह था, लेकिन ऐसे विद्रोह में जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जाएं, तो उसका स्वरूप निश्चय ही राष्ट्रीय हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि 1857 जो आज से बहुत पुरानी घटना तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी, इसके स्वरूप के बारे में भी इतिहासकारों में अलग अलग प्रकार के मत हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। लेकिन वस्तुतः यह हमारे देश के नेशनल मूवमेंट का एक आधार रहा, जिसके परिणति आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई धारा बनी। जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने इस क्रांति में मिलजुल कर लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध, उससे यह तय हो गया कि अगर भारत में हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो तीसरे पक्ष का राज्य करना कठिन होगा। इसीलिए इस घटना से सबक लेकर अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को भारत में फॉलो किया और कालांतर में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई बना दी जिस पर कभी बाद में पुल नहीं बन सका। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों पर। थैंक यू।